विश्व लगातार कोरोना वायरस से जूझ रहा है। इससे निपटने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और दिन पर दिन नए नए लक्षण निकलकर सामने आ रहे हैं। सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, इन लक्षणों से तो हम वाकिफ हैं, लेकिन हाल ही में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की रिपोर्ट के अनुसार कुछ नए सिम्टम्स सामने आए हैं। सांस लेने में तकलीफ के अलावा मरीजों को बड़बड़ाना, स्ट्रोक और नसों के क्षतिग्रस्त होने की तकलीफ भी हो सकती है। शोधकर्ताओं के द्वारा नेशनल हॉस्पिटल फॉर न्यूरोलॉजी एंड न्यूरो सर्जरी इन लंदन में इलाज करवाने के लिए आए संक्रमित और संदिग्ध मरीजों पर एक अध्ययन किया, और अध्ययन के मुताबिक प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर माइकल का कहना है कि महामारी ने मस्तिष्क में सूजन वाले मरीजों की संख्या बढ़ाई है, जो कि आमतौर में वायरल इन्फेक्शन वाले मरीजों में देखने को मिलती है। शोधकर्ताओं ने यह भी बताया कि इन मरीजों में सांस लेने संबंधी कोई तकलीफ नहीं दिखी, जो कि कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, लेकिन कुछ मरीजों में गड़बड़ी देखी गई और इन बड़बड़ाने वाले मरीजों के मस्तिष्क में एक अस्थायी तकलीफ भी देखी गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आम दिनों में इस तरह के मामले एक महीने में एक मिलते हैं, लेकिन महामारी के बीच हर सप्ताह एक ऐसा व्यक्ति मिल रहा है। रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि कोविड-19 सीधा मस्तिष्क और स्पाइनल फ्लूइड में हमला नहीं करता, ये शरीर की इम्यूनिटी को प्रभावित करता है, जिससे मस्तिष्क की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। हालांकि चुनिंदा लोगों में ये लक्षण देखे गए हैं, इसलिए अब वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ही लोगों में मस्तिष्क संबंधी तकलीफ क्यों हो रही है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि ये तो स्पष्ट है कि वायरस अलग अलग तरीके से मस्तिष्क को प्रभावित कर रहा है, ऐसे में कोरोना वायरस से पीड़ित और इससे ठीक हो चुके मरीजों का भी मस्तिष्क संबंधी जांच होनी चाहिए, ताकि भविष्य में वो किसी रोग की चपेट में ना आए और उन्हें मस्तिष्क संबंधी तकलीफों से बचाया जा सके। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।